स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मुजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपको सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। अक्सर आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ओके? तो ध्यान से देखिएगा, जब भी रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए मिले तो सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, काफी ध्यान से देखिएगा, इजी पॉइंट है, समझ में आ जाएगा आपको, ओके? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। सी रिटायर हो गया एंड ए और बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो गिवन है इनकी हमें एंट्री बनानी है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, बट उनके बुक वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इसमें हमें सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, ओके? एंट्री तो हम बनाएंगे, जनरल एंट्री तो बनाएंगे, बट इन अमाउंट्स पे 1,45,000 और 25,000 जो दिया हुआ है इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैसे, चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,00,000, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 45,000। बस इतना लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, उसके आगे ये मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, ओके? तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या कि क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में क्रेडिट और डेबिट बैलेंस मेंशन ना हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब ये प्रॉफिट होगा, ओके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है 45,000, हमने एज्यूम किया, ओके? उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25,000 दिया हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को कहते हैं। ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है जिसे कंपनी किसी भी एक साल में करती है एंड उसका उस एक्सपेंस पे कंपनी को आने वाले कई सालों तक प्रॉफिट होता रहता है, ओके? जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, ओके? ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब देखिए, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री में हम जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, स्टूडेंट्स, पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे जिसमें आपने रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया है उसमें आप जनरल रिजर्व की अलग एंट्री बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस की अलग एंट्री बनाते थे, बट जब आपके क्वेश्चन में सिंगल एंट्री बनाने के लिए कहे, मतलब उसमें जनरल रिजर्व भी इंक्लूड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी इंक्लूड होगा, सब मिला के आपको सिर्फ एक एंट्री बनानी है, तो वैसे केस में जनरल एंट्री कैसे बनाया जाता है देखिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसे केस में जनरल एंट्री ऐसे बनाई जाती है, ओके? जैसे आपने गुडविल में बनाया था ना, सेम वैसे। अब आगे का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट को टोटल कर लेंगे। तो कैसे टोटल किया जाता है देखिए, जनरल रिजर्व प्लस स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो इसे हम लेस करते, ओके? हमने एज्यूम किया ना कि ये क्रेडिट बैलेंस होगा इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन होता कि ये डेबिट बैलेंस है तो वैसे केस में सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बनाने के टाइम में जनरल रिजर्व में से हम डेबिट बैलेंस को माइनस करते, ओके? उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक तरीके का एक्सपेंस होता है, ओके? एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं ना, इसलिए इसे भी हम माइनस करेंगे। एडवर्टीजमेंट
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसे हम माइनस करेंगे. ओके अब देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 45,000 माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 25,000. 1 लाख प्लस 45,000 ये हो जाएगा 1,45,000 माइनस 25,000 माइनस करिए ये हो जाएगा 1,20,000. कैलकुलेशन समझ में आया आपको? समझ में आया ना? अब देखिए इसके बाद इस 1,20,000 से ही हम जनरल एंट्री बनाएंगे. आपके क्वेश्चन में 1,45,000 और 25,000 दिया हुआ है, इससे हम एंट्रीज नहीं बनाएंगे. हमें सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बनानी है. हमने सबको टोटल कर लिया, 1,20,000 आया. अब हम इसी 1,20,000 पे ही जनरल एंट्री बनाएंगे. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखा ना, तो सबसे पहले हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं. ए का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/6 माइनस न्यू रेशियो दिया हुआ है 3/4 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा इसका 12. 6 2 12 2 3 6 माइनस 4 3 12 3 3 9 इज इक्वल टू. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए का न्यू रेशियो ज्यादा है, ओल्ड रेशियो कम है. ओके गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड होता है ना, तो यहाँ पे हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3/12. इसका मतलब ए ने गेन किया, तो ए की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे. ओके उसके बाद बी का देखिए, ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो है 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 12. 6 2 12 2 2 4 माइनस 4 3 12 3 1 3 यहाँ देखिए बी का ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो यहाँ हो जाएगा 1/12. इसका मतलब बी ने सैक्रिफाइस किया, तो क्रेडिट साइड में बी की एंट्री हो जाएगी. समझ में आया ना आपको? ए का आया माइनस 3/12 गेनिंग रेशियो, बी का आया 1/12 सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके तो चलिए अब हम जनरल एंट्री बनाएंगे. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. जनरल एंट्री तो आपको समझ में आ गई ना. अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमने टोटल किया था, तो 1,20,000 आया था. 1,20,000 में पहले ए का हम देखेंगे गेनिंग रेशियो से कैलकुलेट करके, तो उसका गेनिंग रेशियो आया था 3/12. 10,000 × 3 ये हो जाएगा 30,000. तो यहां हम लिखेंगे 30,000. ओके उसके बाद बी का देखिए, 1,20,000 इंटू बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था? 1/12 आया था ना, तो 12 × 12 ये हो जाएगा 10,000. तो यहां लिखेंगे 10,000. उसके बाद सी का ओल्ड रेशियो, सी तो रिटायर्ड पार्टनर है तो इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट होगा नहीं. इसका ओल्ड रेशियो आप देखिए 1/6 है ना, 1,20,000 इंटू 1/6 6 × 6 6 2 12 ये हो जाएगा 20,000. समझ में आया आपको? ए ने गेन किया, इस वजह से ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और रिटायर्ड पार्टनर को 30,000 में से पे करेगा. 10,000
बी को देगा, बी रिसीव करेगा, इसका इनकम होगा इसलिए हमने इसकी एंट्री क्रेडिट में की। सी भी रिसीव करेगा क्योंकि ये रिटायर्ड पार्टनर है तो इसलिए इसकी भी हमने एंट्री क्रेडिट में की। ये इन दोनों को पे करेगा, इसका एक्सपेंस होगा इसलिए इसकी एंट्री हमने डेबिट में की। ओके स्टूडेंट्स, आंसर भी आप लोग मैच कर ले। डेबिट एस कैपिटल अकाउंट बाई 30,000, क्रेडिट बी कैपिटल अकाउंट बाई 10,000 एंड सी कैपिटल अकाउंट बाई 20,000। क्वेश्चन नंबर 32 हमने कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंट टॉपिक था बट इजी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक मी वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।